क्या बात है, शुक्ला जी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों ने हमें अपने यूनियन का लीडर बना के हमारा हाथ बढ़ाया है, हम उसके लिए आपको एक बार बढ़ा दें। आप पान थूक के बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए सरकार से लड़ जाएंगे, हम आपके लिए पब्लिक से लड़ जाएंगे, हम आपके लिए अपने हाथ से लड़ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए आप से लड़ जाएंगे। बहुत लड़ाकू टाइप का आदमी लगता है। यही तो, जब ऑटो चलाता था पब्लिक से रोज झगड़ता था। ऑटो वालों का नाम खराब करता था, तभी तो यहाँ ऑफिस में लाके बिठा दिया है यूनियन लीडर बना के, जो मुझे बनना चाहिए था। एक मिनट, क्या लड़ाई की बातें चल रही है, हम आपसे भी लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे। आप ऑटो वालों की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट वाले नए नए नियम बना रहे हैं, आरटीओ वाले रोज नए नए कानून बना रहे हैं, लड़ जाएंगे। अरे बुलाइए सबको, हम सबसे लड़ जाएंगे। देखिए, हम ऑटो यूनियन लीडर शुक्ला है, हम अपने हक के लिए हक से लड़ जाएंगे। बिना लड़ाई झगड़े के आप कोई काम नहीं कर सकते क्या? शराफत से पेश आइए। अरे बुलाइए शराफत को, शराफत से भी लड़ जाएंगे और क्या। ओके, बाद में पहले जरा इनकी प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहते हैं कि ऑटो की संख्या बहुत बढ़ गई है, उसे कम कीजिए। आरटीओ वाले कहते हैं कि पुराने ऑटो धुआं बहुत छोड़ते हैं, उसको कम कीजिए। और ऑटो मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम भी है, वो कहते हैं कि उनके नए ऑटो की सेल ही नहीं बढ़ रही है। अरे हम सेल बढ़ाने के लिए सेल से लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे, अरे भाई लेकिन करेंगे क्या? आप यूनियन के सेक्रेटरी हैं, आप बताइए हम क्या करें। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए मेरी मानिए तो सड़क से पुराने ऑटो हटाने का ऑर्डर दे दीजिए, लोग नए ऑटो खरीदेंगे तो अपने आप ऑटो मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नए ऑटो जो है धुआं नहीं देंगे तो उससे अपने आप आरटीओ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हर ऑटो वाला नया ऑटो खरीद नहीं पाएगा तो ऑटो अपने आप कम हो जाएंगे तो उससे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सर आप मंत्री जी से बात करके पुराने ऑटो हटाने का ऑर्डर पास करवाइए। पर ऑटो वाले मानेंगे क्या? अरे ऑटो वाले नहीं मानेंगे तो हम ऑटो वालों से लड़ जाएंगे। लेकिन एक बात है कि ऑटो वाले नया ऑटो खरीदेंगे कैसे? अरे बैंक से लोन दिलवाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, नए ऑटो जब मार्केट में आएंगे तो मंत्री जी को कमीशन मिलेगा, है? मैन्युफैक्चरर जब ऑटो बनाएगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, बैंक जब लोन देगा तो उसको ब्याज मिलेगा, आरटीओ वाले को तो बगैर धुआं धक्कड़ का ऑटो ऐसे ही मिल जाएगा, तो गुरुदेव हमें क्या मिलेगा आपको ये। अरे इसके लिए तो मम्मा बाबू और दुनियादारी से लड़ जाएंगे। आप जो है ना पुराने ऑटो को कैंसिल करने का आदेश दे दीजिए। हाँ भाई मुसद्दी, ये खटरा सा ऑटो कहाँ से लेके आ गया? खटरा सा ऑटो नहीं है, नया खरीदा है। ये नया है? हाँ नया है, पर लगता तो पुराना है। जैसा क्या है तो पुराना ही, पर मैंने तो नया खरीदा है ना। अब पुराना ऑटो चला चला के तंग आ गया था तो मैंने अपनी बीवी के जेवर बेचे, कुछ जमीन बेची और नया खरीद लिया। ठीक किया था। बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया किया। अच्छा मिठाई विठाई तो खिला दे। अरे तो पुराना है लेकिन तुमने तो नया खरीदा है। अब मैंने तो नया ही खरीदा है तो पार्टी तो बनती है। चल देता हूं पार्टी, पहले रजिस्टर तो करा रहा हूं यूनियन में जाके। जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, करा ले। पार्टी तो बनती है। हां बनती है, पुराना रख। बड़े जी क्या हाल है? ठीक है, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। नया ऑटो लिया है मैंने। क्या 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 नया ऑटो? अरे भाई फिर तो मिठाई होनी चाहिए। तो खिला दूंगा। खिला दूंगा नहीं, अभी इसी वक्त। इतनी खुशी की बात है, मुझसे तो खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। पांडे जी भाई जल्दी से मिठाई लाइए। पैसे? हाँ हाँ अभी लीजिए। मुसद्दी जी दीजिए। अच्छा लीजिए, ये लीजिए 100 रुपए, अब सबको खिला देना। नहीं 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 सबको तू रहने दे, तू मुझको खिला दे, क्योंकि मुझसे तो खुशी ना बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो हलवाई की दुकान पे चल के ही खुश हो लेते हैं ना। अरे वाह वेरी गुड आइडिया, ला नोट दे, मैं अकेला खुश हो लूंगा। अरे खुशी बांटोगे नहीं? अबे इतनी भी खुशी नहीं हो रही है। ये तो कोई बात नहीं, देखो हम उसे दिला के ले गए तो पैसे। कोई बात नहीं पांडे जी, आप चिंता मत करो, घर पे आओ शाम को कंट्री पिलाता हूँ। ठीक है। ये उषा जी नहीं आई? उषा जी वो आ गई है ना। अच्छा मैं जरा एक सेकंड बात कर लेता हूँ इनसे। उषा जी। अरे मुझे दिला लुथरा। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने नया ऑटो खरीदा है, ऑटो ओनर हो गया हूँ। ओहो मुबारक हो। जी बस रजिस्टर करवाने के लिए आया था, ओनर हो गया हूँ ना। हाँ हाँ रजिस्टर करा देंगे, लाओ 500 रुपए। हाँ तो लेके आऊँ, ये लीजिए पूरे 500। हाँ रिसीट कल ले जाना। कल? हाँ मैं जरा अभी बिजी हूँ। तो ठीक है फिर मैं कल आता हूँ। हाँ सुनो जा कर रहे हो? मैं धंधे पे जा रहा हूँ। एक काम करो ना प्लीज, मेरे बिल्लू को जरा ले आना, आज स्कूल बस नहीं आई। ओके ले आऊंगा। हाँ, पता है ना स्कूल कहाँ है? हाँ, 3-4 बार तो ला चुका हूँ उसे मैं। अच्छा सुनो सुनो,
जाते जाते जरा ये सब्जी घर पहुंचा देना, सास को बोलना काट देने के लिए। ओके। अरे एक मिनट एक मिनट, जरा दो मिनट बैठ के तुम ही काट देना। ये? जी हेलो क्या पांडे जी, क्या चिपका रहे हैं? कुछ नहीं यार, नोटिस चिपका रहा हूँ। अरे क्या नोटिस वोटिस लग रहा है? सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि 10 साल पुराने ऑटो सब बंद। अरे बंद कर 10 साल है 10 साल। 10 साल पुराने मतलब 1990 का नहीं चल सकता? चल सकता लेकिन सड़क पे नहीं चल सकता। अरे ऐसा कैसे भाई, ये तो गलत बात है। अरे तुम काहे गुस्सा हो रहे हो, तुमने तो अभी नया ऑटो खरीदा ना। नया खरीदा पर वो पुराने वाला ही नया खरीदा ना। क्या? हाँ 1990 का मॉडल है। अरे इतनी जल्दी क्या थी खरीदने की, 2-3 दिन रुक नहीं सकते थे? अब मुझे क्या पता था ये नोटिस लग जाएगा, अब मैं तो नहीं हटाऊंगा। ओहो मत हटाना, लेकिन अभी सामने से तो हटो, मुझे और जगह भी जाना चिपकाने के लिए। अरे सर ये कैसे हो गया भाई, ये तो गलत बात है। 25,000 रुपये खुश जाएंगे मेरे। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बात करता हूँ। मैं तो तुझे सुना ही रही थी ना, तू सुन नहीं रही थी तो मैं क्या करूँ। अरे उषा जी ये क्या है? कहाँ क्या है, वो क्या है? पहले डिसाइड करो कि पूछना क्या है, ये क्या है या वो क्या है। नहीं ये छोड़ो, पहले बताओ ये क्या है। क्या क्या है? बिल्लू को लेने भेजा था ना। हाँ पर परवर क्या वहाँ बैठे रो रहा होगा बेचारा, कहीं खो गया तो? देखिए उषा जी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। हो नहीं हो जाओगे। क्या? पहले बिल्लू को ले आओ। उसको ले आऊंगा तो बात सुनेंगी? हाँ सुनूंगी। ओके तो उसको लेके जाता ना फिर। हाँ और सब्जी काट के आना। अच्छा हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी सुन ना, मैं तो तुझे बताने ही वाली थी, पता है? हाँ नहीं हुआ ना। उषा जी क्या है, मुझे आपसे कुछ पूछना है ना। पहले मुझे ये पूछना है, बिल्लू को घर छोड़ा है? हाँ जी। हाँ सब्जी काटी? काटी। गुड वेरी गुड, जाओ आप। ये बाहर नोटिस लगा हुआ है कि पुरानी ऑटो सड़क पर से हटा दो। तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो नई ऑटो है। नहीं, मेरी ऑटो पुरानी है ना। अरे अभी तो तुमने कहा कि नई नई है। नहीं पुरानी खरीदी है, नई नई खरीदी है, मतलब आज ही खरीदी और आज ही नोटिस लगा दिया। अभी तो मेरी ऑटो ने सड़क देखी भी नहीं है, कहाँ से हटा दूं? इसके लिए तो सेक्रेटरी साहब से मिलो। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नया ऑटो दिलवाएंगे। कहाँ से? बैंक से। अरे बैंक में ऑटो मिलती है? अरे लोन तो मिलता ना यार, तुमको लोन दिलवाएंगे तुम ऑटो ले लेना। अरे लोन दिलवाएंगे तो ऐसे कह रहे हो तो चुकाएगा कौन? जितना मैं कमाता नहीं उतना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे अगर नहीं लोगे तो पुराने से भी जाओगे। अरे कैसे हटा देगा कोई पुराना मेरा, हटा के दिखाए, मैं उसको नहीं हटा दूंगा वहां से। वो बात है, मिठाई का डब्बा हटाता हूं पहले। ये मिठाई का लेके जा रहे हो यार? जिस ऑटो को सड़क से हटा रहे हो ना, उसकी मिठाई का डब्बा भी हटा रहा हूं मैं यहां से। अरे रुको, अरे कमाल का आदमी है यार, पूरा मिठाई का डब्बा ले गया। लेकिन मैं अभी बड़ा चलाक हूँ, मैंने पहले से ही जेब में डाल लिए थे 3-4 पीस। अरे मुसदीलाल जी मुबारक हो, मुबारक हो, सुना नया रिक्शा खरीदा? अरे कहाँ, मैंने तो पुराना ही खरीदा है। पर आपके लिए तो नया है ना भाई। हाँ है तो नया, लेकिन सुन रहे हैं कोई रूल वूल निकल रहा है, नए रिक्शा चलेंगे पुराने नहीं चल सकते। ऐसा रूल वूल निकला तो है शायद। तो क्या, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा भाई, क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या करूं मैं तो? ये पुराने छोड़ो नया खरीदो। अरे कहाँ से नया खरीदूं, 25 साल किराए का रिक्शा चलाने के बाद बड़ी मुश्किल से बीवी के जेवर वेवर बेच के ये खरीदा था, अब नया कहाँ से खरीदूंगा? बाप रे, बैंक से लोन दिलाते हैं ना, चुकाना भी तो पड़ेगा ना। अरे भाई धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है, अब जितना कमाऊंगा उतना तो ब्याज में चला जाएगा। अरे यार तो पर क्या करोगे यार? क्या करूँ आप बताओ ना। शुक्ला से मिलो ना। वो कहाँ मिलेगा? कल मीटिंग है वहीं पे बात कर लो। कहाँ की मीटिंग है? ये सब पुराने ऑटो रिक्शा वाले को बुला रहे हैं ना ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप खून का मत कीजिए, हम लड़ेंगे। किससे? आप बीच में बोल रहे हैं तो आप ही तो लड़ जाएंगे हम। अरे हमसे काहे लड़ेंगे, हमें तो इस मुसीबत से निकालिए भाई। हम ही ने तो डाला है। क्या? हाँ सरकार का निर्णय के खिलाफ हम सरकार से लड़ेंगे। सरकार चाहती है पुराने ऑटो हटो, हम चाहते हैं पुरानी सरकार हटो। नहीं मगर पुराने ऑटो हटाए जाएंगे सड़क से कि नहीं? उसी पर चर्चा चल रही है। तो सरकार ना मानी तो? हम लड़ेंगे। क्या? केस? हाँ केस। हम क्यों लड़ेंगे? कहाँ से पाउडर लेके आएंगे? पाउडर कहाँ सुनना है, हम कह रहे हैं हम स्टे ऑर्डर लाएंगे। हाँ ठीक है क्यों चाचा? बिल्कुल ठीक है बेटा, पर उसके लिए वकील करना पड़ेगा। खर्चा कौन देगा? कौन देगा भाई खर्चा? हम ही लोग देंगे और कौन देगा? क्यों भाई? हम खर्चा दे देंगे लेकिन केस लड़ेंगे। ठीक है तो कल आप लोग अपने पुराने ऑटो का मॉडल नंबर लिख के पटेल साहब को दे दीजिए और साथ में 1,000-1,000 रुपए। 1,000 रुपया? 1,000 रुपया तो बहुत होता है भाई। अरे चाचा वकील भी तो बड़ा करके लाएंगे। ठीक है आप केस लड़ो, हम दे देंगे पैसे। क्यों भाई? चलो हम केस लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, हम सरकार को सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। यार कोई है नहीं यार। MMR 49-49-1987। नेक्स्ट बाबू पाटिल
MMR 9099 1981 20 साल पुराना अभी तक चल रहा है रे वाह। नेक्स्ट MH02P3933 1990 मुझसे दिलाल रे यार क्या यार जल्दी कर देना ऑटो खरीदने की। तब क्या करता हूँ कुछ होगा। हाँ होगा ना देखो अभी मैंने नंबर लिखा है पैसे उषा जी के पास जमा करा दो फिर देखते हैं कितने ऑटो हैं कितने पैसे जमा हुए हैं कितना बड़ा वकील करना है कितने साल केस लड़ना है कितना वक्त पर बात करना है कुछ नहीं पैसे जमा करके आता हूँ। तुम्हारा नाम पता तो है आपको क्या मुसद्दीलाल उतरा ये क्या है नाम है मेरा। ओ हाँ पता है लाओ ये रहा 1000 रुपया ठीक है रसीद बाद में आके ले जाना। बाद में क्यों आऊंगा मैं बिल्लू का स्कूल छूटने वाला है ना। अच्छा बस नहीं आ रही आज उसको लेने यही तो सड़क से बसों को क्यों नहीं हटाते पहले पहले ऑटो को तो हटा ले। अच्छा आपको क्या लगता है ऑटो रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। टोटल 2000 ऑटो हटाए जाएंगे टोटल 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है और इस पैसे से माफी के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ अगर कैंसिल का ऑर्डर पास नहीं किया तो। नहीं नहीं मंत्री जी ने कानून पास कर दिया है हमने तो प्रोडक्शन शुरू कर दिया भाई हमने तो नए रक्षक को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड लेकिन हमारा कमीशन देना कब शुरू करेंगे। यही तो हमने तो हमारा काम शुरू कर दिया है। हाँ आपके कानून को समर्थन दे रहे हैं ना और आप हमें क्या दे रहे हैं ये लाओ 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 पांडे तुम बाहर जाओ। क्यों अरे भाई 2000 ऑटो पे कैंसिल लिखना है क्या। अरे चचा इसमें कुछ नहीं बचा हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अरे मुसद्दी बेटा मैं अपनी बीवी से तो लड़ नहीं सकता सरकार से क्या खाक लड़ूंगा। अरे चाचा लड़ना पड़ेगा नहीं तो ये हमारे ऑटो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे नहीं कर दिया क्या? आप लोगों का ऑटो कहाँ ये खड़े हैं ना यहाँ पे देख नहीं रहे आपको। थैंक यू क्या करना क्या है कैंसिल का निशान लगाना है। भाई निशान आप भले लगाइए लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए ऑटो। अरे मुसद्दी वो कैंसिल का निशान लगा रहा है कैंसिल कैंसिल अरे अरे पांडे जी अरे पांडे जी ये क्या कर रहे हो। कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो। अरे ऊपर से ऑर्डर आया अगले महीने से सारे ऑटो बंद पुराने वाले। अरे पर हमने तो वो बड़ा वाला वकील करने के लिए पैसे दिए क्यों भाइयों। हाँ बिल्कुल तो फिर यूनियन लीडर से जाके मिलो ना। ठीक है मिलते हैं आ जाओ सब लोग। चलो 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 सारे लोग कहाँ जा रहे हो एक दो लोग जाओ। तो ठीक है एक मैं हुआ दूसरे आप हुआ चाचा आप आ जाओ। चलो मैं चलता हूँ चलो। अरे सर आप कानून पास कराइए बस हैं सीएनजी लगवाना है। अरे लगवा देंगे सर पहले पुराने ऑटो हटवा देते हैं फिर सीएनजी लगवा देंगे। सर एक रिक्वेस्ट है ये सीएनजी का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट गैस भरने का मेरे साले को दीजिएगा पहले गुब्बारे में गैस भरता था अब ऑटो में गैस भरेगा सर। हैं हैं ओके हाँ शुक्ला जी आ जाएं। हाँ हाँ सर हम बाद में बात करते हैं सर। हाँ आई 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 ये क्या है भाई बाहर पांडे जी कैंसिल का निशान लगा रहे हैं ऑटो पे। अरे यार ऊपर से ऑर्डर आ गया ना। अरे लेकिन हम तो केस लड़ रहे थे यूनियन को 1000-1000 रुपया दिया हमने। हाँ तो केस चालू है ना। अरे कहाँ चालू है पांडे जी बता रहे हैं कि स्टे ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया है। अरे उनकी ऐसी की तैसी हम उनके स्टे ऑर्डर पर अपना स्टे ऑर्डर लगा देंगे। अच्छा हाँ बस 500-500 रुपए दे दीजिए आप लोग जी। हाँ लड़ेंगे ना हम लोग मतलब उनके स्टे ऑर्डर पे हम स्टे ऑर्डर दे देंगे। ये बात आपको कैसे पता। मुझे कुछ नहीं सुनना है 10 दिन रह गए हैं डेडलाइन के 2 दिन के बाद ऑटो सड़क पर से सरकार हटा देगी और यूनियन हमारे लिए कुछ कर ही नहीं है। हटो रही है। अरे क्या कर रही है 2 बार लड़ने के नाम पे 1500 रुपए ले चुके हैं एक बार भी स्टे ऑर्डर नहीं ले पाए। लेकिन हम स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो हमारे स्टे ऑर्डर के ऊपर कोई और स्टे ऑर्डर ले आता है ना। यही तो पर तुम चिंता मत करना हम तुम्हें हटा देंगे पर ऑटो को नहीं हटने देंगे। क्या मतलब यूनियन वाले खुद हट जाएंगे लेकिन तुम्हारा ऑटो नहीं हटने देंगे। वो कैसे भाई उसके लिए आपको हमारी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों हेल्प करें। हाँ तो आप भी कुछ मत कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। कुछ ना करें यही तो मतलब जो कर रहे हो वो मत करो। अरे भाई हम तो ऑटो चला रहे हैं। बंद कर दो स्ट्राइक। क्या हड़ताल चक्का जाम तब सरकार को पता चलेगा कि ऑटो हटाने से उनकी सरकार हट सकती है। अरे हड़ताल कर देंगे तो खाएंगे क्या। खाना अरे खाना कहाँ से आएगा। पैसे से तो पैसा कहाँ से आएगा। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। यही तो देखो यूनियन तुम्हें गाइड कर रही है बोलो करते हो स्ट्राइक। नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँ। क्यों भाई करनी है स्ट्राइक। अरे हड़ताल करके भूखो मरना है क्या। हाँ तो हम नहीं करेंगे भाई स्ट्राइक। अरे देखो हड़ताल करो काम मत करो वरना 2 बातें हो जाएगी या तो सरकार कानून लाएगी या तो नहीं लाएगी। नहीं लाएगी ऐसा लगता नहीं और लाई तो 2 बातें होगी या तो हमें स्टे ऑर्डर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिला तो ठीक हम ट्राई कर रहे हैं और नहीं मिला तो 2 बातें होगी या तो आपकी ऑटो सड़कों पर चलेगी या तो बंद हो जाएगी। चलेगी ऐसा लगता नहीं और बंद हो गई तो 2 बातें होगी या तो आपको दूसरा काम मिलेगा या तो खाली बैठोगे। काम मिला तो ठीक मगर खाली बैठे तो भाई देखो वैसे भी खाली तो बैठना ही है तो फिर हड़ताल करके खाली बैठो ना तो क्या है सरकार शायद पिघल जाएगी।
ओके तो करते हैं हड़ताल, क्यों भाइयों? कर दो ओके ओके हड़ताल। देखे अपने आप सड़क से हट गए। ये पटेल की दो बातों का सर है। यही तो सरकार 10 दिन बाद हटाती है, 10 दिन पहले ही हट गए। लेकिन 10 दिन के बाद क्या करेंगे? अब 2 महीने तक सही हड़ताल चलेगी, फिर सरकार नई कानून ले आएगी, पुराने ऑटो वापस लाओ। अच्छा हाँ, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं, इनसे वोट मिलेंगे। नहीं पर वापस ही लाना है तो फिर हटाया क्यों? अरे भैया पब्लिक का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? और नोट भी। यही तो। आपको लगता है कि हड़ताल महीना 2 महीने चल जाएगी? ना हमें तो शक है। हमें तो यकीन है। क्या? कि नहीं चलेगी। अब ये सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी चाचा, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी ऑटो कब चलेगी? चलेगी, अपनी ऑटो भी चलेगी। हम हट जाएंगे पर ऑटो रिक्शा को हटने नहीं देंगे। अरे मुसद्दी, अगर हम हट गए तो हमारी ऑटो कौन चलाएगा? सरकार। दिल छोटा मत करो चाचा, ये आर पार की लड़ाई है, बड़ा बर्दाश्त किया हमने, अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। देखो मुसद्दी, अब वाजपेयी की तरह आश्वासन मत दो, न वहाँ कुछ हो रहा है न यहाँ कुछ हो रहा है। अब आप भी अपोजिशन की तरह हर मुद्दे पे असहमत मत हो जाओ ना, देखना हमारी ये हड़ताल इनकी चाल खराब कर देगी। बोलो भाइयों, ओल्ड ऑटो ओनर जिंदाबाद जिंदाबाद, ओल्ड ऑटो ओनर जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, पुराने ऑटो नहीं हटेंगे, ओल्ड ऑटो ओनर जिंदाबाद जिंदाबाद। बस भाई बहुत है, आज के लिए काफी हो गया इतना। पक्का? यस सर, यूनियन लीडर शुक्ला स्पीकिंग सर, कंप्लीटली ओके सर। अरे हड़ताल बड़े मजे में चल रही सर। जी सर, सॉरी सर, अभी बंद करवा देते सर। जो आज्ञा सर। जी सर, मुझे क्या मिलेगा सर? ओके सर, सर सर जी। ये होती है यूनियन लीडर की मांग, हड़ताल कराओ तो पैसा, हड़ताल बंद कराओ तो भी पैसा। क्या हो गया, सरकार हिल गई हड़ताल से? सरकार भूचाल से हिलती नहीं, हड़ताल से हिलेगी। सरकार हिलती है सर पब्लिक से। अरे मगर 1 महीने से हड़ताल चल रही है, 2000 ऑटो कम हो गए हैं सड़कों पे, और ना ही नए लाइसेंस बने और नए नए ऑटो। यही तो, उस पे भी किसी ने स्टे ऑर्डर ले लिया। अरे तभी पब्लिक की परेशानी देख के मंत्री जी ने जो है कानून वापस लेने को राजी हो गए। कितने में? 10 लाख डोनेशन दिया है हम यूनियन वालों ने। और ऑटो वालों को? कौन है वो? हम हैं, हमें ऑटो चलाना आता है। देखा देखा कि नहीं देखा, कर दिया ना सरकार को मजबूर, है कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? अरे हमने उनके स्टे के ऊपर स्टे ऑर्डर लेकर उनको आउट ऑफ वे कर दिया। धन्यवाद, हमारी यूनियन सब यूनियन से ज्यादा अच्छी है। यही तो, हम ऑटो वालों के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए नहीं। हम कठपुंजी नहीं है जो ऑटो वालों को डीजल के भाव बेचे हैं। हम बेच सकते हैं मगर बिक नहीं सकते। क्या मतलब? बिक सकते हैं मगर बेच नहीं सकते। आप लोग जाइए और छाती खोक कर करके धुआं फेंके सड़क पर। थैंक यू। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, यूनियन लीडर शुक्ला जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। हां तो शुक्ला जी, व्हाट नेक्स्ट? अभी देखो हड़ताल वड़ताल ना हो तो कुछ काम होता ही नहीं है। यही तो, बिल्लू को स्कूल से लेने भी कोई नहीं आता, चाय पानी का खर्चा भी जेब से ही करना पड़ता है। चिंता मत करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सरकार ने कानून पास किया तो एक हटाएगा भी। होल्ड अ सेकंड। हेलो, हां सर, यस सर, ठीक है सर, आप छाती ठोक के कानून पास कीजिए सर। यस सर। किसका फोन था? पेट्रोलियम मंत्रालय से। क्या पेट्रोल का भाव बढ़ गया क्या? नहीं, सीएनजी का। सीएनजी? हाँ, सरकार ने कहा है जिस ऑटो में सीएनजी नहीं है उसको सड़क से हटा दो। क्या? हाँ। ओके, चलो बराबर नोटिस लगा दो भाई। अब भी लगा देता हूँ। ये कैसा नया नोटिस है भाई, सीएनजी नहीं तो ऑटो नहीं। अरे क्या है वो, पोल्यूशन फैलता है ना। पर सीएनजी में कितना खर्चा होता है आपको पता है? अब वो तो करना पड़ेगा भाई। अरे हम नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे भाई, यूनियन यूनियन किस लिए है? तो क्या यूनियन खर्चा करेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अरे शुक्ला जी आगे, शुक्ला जी जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। शुक्ला जी देखिए, हमें बचा लीजिए, हम नहीं लगवा सकते सीएनजी। तो मत लगाओ यार। पर सरकार ने तो अगले महीने की डेडलाइन दी है। ओहो, तो हम स्टे ले लेंगे। 1000 रुपया? क्या? यही तो, प्लस 500 रुपए और दो। क्यों? अरे क्या है, हमारे स्टे ऑर्डर पे वो लोग स्टे ऑर्डर लाएंगे तो हम उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाएंगे। हाँ हाँ, ओके ओके, पर हम केस तो जीत जाएंगे ना। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। हम तो सहयोग देंगे ही, क्यों भाइयों? हाँ, देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे। बस कर डालो। क्या हड़ताल? क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।